2017 में गोविंदा की फिल्म आ गया हीरो भले ही बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई थी, लेकिन अब 2018 में गोविंदा एक बार फिर अपनी अगली कॉमेडी फिल्म के साथ तैयार हैं। जी हाँ, फिल्म का नाम होगा फ्राइडे, जिसका निर्देशन कर रहे हैं अभिषेक डोगरा। निर्देशक का मानना है कि फ्राइडे के साथ गोविंदा के बुरे दौर का अंत होगा, क्योंकि इस फिल्म को टिपिकल गोविंदा ऑडियंस के लिए बनाया जा रहा है। फिल्म में हर वह बात होगी जिसके लिए गोविंदा जाने जाते हैं। अभिषेक डोगरा ने कहा, मैं हमेशा से गोविंदा का प्रशंसक रहा हूँ, मुझे उनकी कॉमेडी का अंदाज बहुत पसंद है, लिहाजा मैंने फैसला किया था कि एक दिन मैं गोविंदा के साथ काम करूंगा। मेरी फ्राइडे में दर्शकों को गोविंदा का वही अंदाज देखेगा जिसके लिए वे पहचाने जाते हैं। यह फिल्म अप्रैल में रिलीज होगी। उन्होंने कहा, 2017 में कॉमेडी फिल्मों को काफी सराहा गया है, जिससे साफ है कि दर्शक और कॉमेडी फिल्में देखना चाहते हैं। जुड़वा दो, गोलमाल अगेन और फकरे रिटर्न्स कॉमेडी फिल्में थी 2018 में, हंसी जारी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि गोविंदा एक बार फिर दर्शकों के दिल में जगह बना पाए। पिछले कुछ समय से उन्होंने कई सितारों पर निशाना साधा है। यहाँ पढ़ें गोविंदा के बयान। जगह जासूस में जब काट दिया गया रोल, गोविंदा ने कहा, यदि अनुराग बसु मुझे आगे किसी फिल्म के लिए अप्रोच करते हैं तो मैं जरूर सोचूंगा, क्योंकि यह मेरा काम है, लेकिन कैमियो नहीं करूंगा। साथ ही गोविंदा ने कहा, मैंने तो कसम खान ली है कि अब मैं सिर्फ कपूर खान की फिल्मों में या सलमान खान की फिल्मों में ही कैमियो करूंगा और किसी भी फिल्म में नहीं। इन दो परिवार की मैं बहुत ही इज्जत करता हूँ। सलमान खान पर बयान, सलमान के बारे में गोविंदा ने कहा कि हम दोनों ने अपने करियर में बुरा वक्त देखा है, आज मैं उसके करियर और सक्सेस के बीच नहीं आना चाहता। हम दोनों एक दूसरे के काम की इज्जत करते हैं पर साथ काम नहीं कर सकते। फिल्म रिलीज पर अपनी फिल्म आ गया हीरो की सोलो रिलीज पर गोविंदा ने कहा था, कुछ भी हो जाए, चाहे थिएटर खरीदना पड़ जाए, पर फिल्म इसी दिन रिलीज होगी। सलमान आमिर पर निशाना, गोविंदा ने कहा कि आजकल काफी कुछ बदल चुका है, बड़े बड़े एक्टर्स साल में एक ही फिल्म कर रहे हैं। मैं सही और गलत नहीं कहूंगा, लेकिन जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। बॉलीवुड कैंप्स गोविंदा की माने तो 90 के दशक तक बॉलीवुड में एक कैंप बन चुके थे। एक शाहरुख कैंप था, यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस वगैरह सब इस कैंप का हिस्सा थे। एक सलमान खान कैंप था जिसमें साजिद सूरज जैसे लोग हुआ करते थे। इसके अलावा भट्ट कैंप था जो आमिर और अजय देवगन जैसे लोगों को तरजीह देता था। गोविंदा का कहना है कि इसी वजह से उन्हें अपने करियर में काफी कुछ झेलना पड़ा। वरुण धवन पर बयान, गोविंदा ने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी नीलकुमार गोविंदा बने, वरुण धवन हो या रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, जिन संघर्षों से मैं गुजरा हूँ मैं नहीं चाहता कोई गुजरे। वरुण के पास डेविड धवन जैसे पिता है, वह गोविंदा नहीं हो सकता। 30 सालों में नहीं की बात, गोविंदा ने कहा, करण जौहर ने मुझसे 30 सालों में कभी बात नहीं की है। मुझे लगता है जो एक्टर उनके ग्रुप में नहीं है शायद वे उनसे हेलो तक भी नहीं बोलते। करण जौहर भले ही सीधे सादे भोले दिखते हैं, लेकिन वो मुझे डेविड धवन से ज्यादा ईशालु और खतरनाक दिखते हैं।